मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। सोमवार को 28 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। इसमें 18 कैबिनेट मंत्री, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। विधानसभा में बीजेपी की मिली प्रचंड जीत के बाद जैसे मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बना हुआ था, ठीक वैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बन रहा था। लेकिन विस्तार के बाद विभाग बंटवारों को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान जल्द ही बड़ा ऐलान कर देगा। अब चर्चा इस बात पर है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। इधर विभाग के बंटवारे को लेकर एक लिस्ट वायरल हो रही है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय को गृह विभाग दिया गया है। ऐसे ही 18 कैबिनेट मंत्रियों के नाम शामिल हैं जिन्हें विभाग दिया गया है। मध्य प्रदेश में गृह एवं जेल, नगरीय विकास, PWD, जल संसाधन और परिवहन राजस्व जैसे विभागों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र से प्रदेश आए दिग्गजों को ये पद दिए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री से कैबिनेट मंत्री बने मंत्रियों को एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि राव उदय प्रताप, राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल जैसे दिग्गजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक सूची के अनुसार भी ऐसा ही कुछ होता दिखाई दे रहा है। हालांकि इस वायरल सूची की अमर उजाला पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सूची में जो नाम वायरल हो रहे हैं और उन नामों पर जिन विभागों को दिखाया गया है उनके बारे में हम आपको बताते हैं। वायरल फर्जी सूची में प्रहलाद पटेल को गृह मंत्री बनाया जा रहा है, कैलाश विजयवर्गीय को लोक निर्माण, कुटीर एवं उद्योग मंत्री बनता दिखाया गया है, राकेश सिंह को शहरी विकास और आवास मंत्री का पद मिला है, विश्वास सारंग को संसदीय कार्य और भोपाल गैस त्रासदी पुनर्वास मंत्री बनाया गया है, प्रद्युम्न सिंह तोमर स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं, तुलसी सिलावट को फर्जी वायरल लिस्ट में ऊर्जा मंत्री का पद मिला है, एथल सिंह कंसाना कृषि मंत्री हैं, कुंवर विजय शाह वन मंत्री बनते दिखाए गए हैं, निर्मला भूरिया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बनती दिखाई गई हैं, संपतिया उइके फर्जी सूची में महिला बाल विकास मंत्री हैं। वहीं इस सूची में गोविंद सिंह राजपूत चिकित्सा शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, करण सिंह वर्मा को जल संसाधन मंत्री बनते दिखाया गया है, इंदर सिंह परमार को राजस्व और परिवहन मंत्री बनते दिखाया गया है, राव उदय प्रताप सिंह उद्योग मंत्री हैं, नारायण कुशवाहा वित्त मंत्री दिखाई दे रहे हैं, नागर सिंह चौहान को इस फर्जी सूची में पशुपालन मंत्री बनाया गया है, चैतन्य कश्यप को श्रम मंत्री, राकेश शुक्ला को खेल युवा कल्याण और तकनीकी शिक्षा मंत्री का पद दिया गया है। हालांकि अभी तक सीएम मोहन यादव ने अपने कैबिनेट में विभागों के बंटवारे की पुष्टि नहीं की है। सोमवार को कैबिनेट का विस्तार हुआ, उसके बाद सीएम मोहन यादव ने मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग की थी जिसमें कई ताबड़तोड़ फैसले लिए गए थे, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से विभागों के बंटवारे का ऐलान नहीं किया गया है। इस बीच ये फर्जी वायरल सूची कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। अब जब इस सूची के बाद सीएम विभागों का बंटवारा करेंगे और उसमें कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिला ये बताया जाएगा, तब इस फर्जी सूची के बारे में कुछ कहा जा सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।